वही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनपद पौड़ी के अंतर्गत विकास खंड थलीसैंण क्षेत्र के जैती गडांग और जैती चक आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर आपदा प्रभावितों को चेक वितरित किए। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का कार्य जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिलाया। मंत्री धन सिंह रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय छात्रावास पीट सैंड निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मैं जयंती और डांग इलाके में काफी आपदा के कारण काफी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूरी रोड हमारी खराब हो गई है। और आज मैंने लगभग 93 परिवारों को वहाँ राज्य सरकार की ओर से और विभाग की ओर से जो है उनको क्षतिपूर्ति के चेक बांटने गया था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार को उनके जयंती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर एक पुल भी पूरा बह गया है, वो पुल भी मैंने आज ही आदेश दिए हैं कि वो पुल जल्दी जो है निर्माण किया जाए।